हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो। ऑलराइट, सो अभी जस्ट मैंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए भी एक पिकअप पाइल रीडिंग करी है। अगर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है एंड आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स में क्या है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। यहाँ पे भी मैं करंट फीलिंग्स देखूंगी। ये जो रीडिंग होने वाली है पिकअप पाइल रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है एंड आप ये रीडिंग तब ही देखिएगा जब आपको कंफर्म हो कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है आप लोगों के रिलेशनशिप में। इट शुड नॉट बी अ सिचुएशन काम से जुड़ी, हेल्थ से जुड़ी, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। किसी एक पर्सन की इंटरफेरेंस है एंड आप उस चीज़ के बारे में जानते हो तभी ये रीडिंग आपको देखनी है। ऑलराइट, तो दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके सामने। आपके पार्टनर के नाम के अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि अगर उनका नाम लेटर ए से के तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर वन, एंड अगर उनका नाम लेटर जेड एल से जेड तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर टू। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट कितने सेकंड पर आपकी रीडिंग शुरू होने वाली है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहां पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। एंड लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम एंड शुरू करते हैं रीडिंग ऑप्शन नंबर वन के साथ। नमस्ते ग्रुप नंबर वन, अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर ए से के तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड सबसे पहले ओरेकल से मैं आप लोगों के लिए मैसेज निकालूंगी एनर्जी देखने के लिए कि आप लोगों की ये जो करंट सिचुएशन थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है इसकी करंट एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ओके, ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज नंबर थ्री, शेयर द लव। देन यू हैव नंबर 14, बैलेंस। सो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज में बैलेंस आ रहा है। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर रहा है या आपकी फीलिंग सच में एक दूसरे के लिए इतनी स्ट्रांग है कि आप यू नो अपने प्यार से और अपने इस इमोशनल कनेक्ट से आप वो बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। देन यू हैव चेंज योर फोकस नंबर 5, कुछ इनस्टेबिलिटी है डिवाइन फेमिनिन के थॉट्स में या उनके पर्सपेक्टिव में किसी चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए, तो आपको शायद इस सिचुएशन को किसी एक अलग नज़रिए से देखना होगा अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हो तो। राइट, एंड देन यू हैव नंबर 10, फ्लो। द मैस्कुलिन, जिनकी यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी है वो अपने इमोशंस के साथ टच में आ रहे हैं। राइट, इमोशनल होते जा रहे हैं एंड शायद यही वो एक चीज़ है जो आप लोगों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस क्रिएट कर रही है। प्रॉबेबली डिवाइन फेमिनिन जो है यहाँ पे किसी एक ऐसी चीज़ के ऊपर फोकस है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसकी वजह से स्पिरिट ने यहाँ पे आपके लिए मैसेज दिया है कि आपको अपना जो है फोकस कहीं से चेंज करना है सो दैट ट्रूली आपके पार्टनर की तरह आप भी अपने रिलेशनशिप में ये बैलेंस मैनिफेस्ट कर सको। एंड जो नंबर्स मैंने यहाँ पे बताए हैं 3, 14, 1, 5 और 10, ये नंबर्स जो है या ये डेट्स हो सकती हैं, बर्थ डेट्स हो सकती है या ये वो डेट्स हो सकती है जिसमें आप फर्स्ट टाइम मिले हो, एनिवर्सरी हो, सम हाउ ये नंबर्स ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ग्रुप नंबर 1। राइट, ओके, वन थिंग फॉर श्योर, मैस्कुलिन एनर्जी है जिनकी, वो इमोशंस को फील कर रहे हैं, ठीक है, आपके प्यार को, आपके साथ जो कनेक्शन है उस चीज़ को फील कर रहे हैं, बट फिर भी ये थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा इस वक्त में एक्सप्रेसिव नहीं है किसी के भी टूवर्ड्स। एंड गाइडिंग मैसेज जो यहाँ पे अभी ओरेकल की तरफ से आया है विच इज़ शेयर द लव, इस सिचुएशन को और ज़्यादा प्यार से टैकल करने की ज़रूरत है और ज़्यादा सॉफ्टली टैकल करने की ज़रूरत है। ओके, एंड यस ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट कि जो फेमिनिन के लिए यहाँ पे मैसेज आया है स्पिरिट की तरफ से, इट इज़ टू चेंज द फोकस। आप प्रॉबेबली किसी एक ऐसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो इस वक्त जो आपके लिए या आपके इस रिलेशनशिप के लिए शायद बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। राइट, लेट्स सी, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है एंड इस टाइम पे आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं वो क्या हैं। करंट इमोशंस क्या हैं, पोस्टपोनमेंट, किसी चीज को टाल रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, दिस इज नंबर 4। देन यू हैव क्रिएटिविटी, एक बार फिर से नंबर 3, अपने फेमिनिन एस्पेक्ट के साथ टच में आ रहे हैं, अपने इमोशंस के साथ जो है टच में आ रहे हैं,
देन यू हैव एग्जॉशन अपने डेली स्केड्यूल से, काम से, घर की टेंशन से, इन सब चीज़ों से इनका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा थक चुका है. एंड यू हैव अबंडेंस. सो फाइनेंशियली आई बिलीव के इनके पास फाइनेंशियल कुछ स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं ये इस वक्त. एंड कंडीशनिंग, ठीक है, दिस इज नंबर 15. सो ऑफकोर्स इनके आसपास के जो लोग हैं वो इनको ज़बरदस्ती यू नो बांधने की कोशिश कर रहे हैं या अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं. इनके पावर्स जो हैं वो इनको रियलाइज़ नहीं होने दे रहे हैं या इनके जो राइट्स हैं वो इनको रियलाइज़ नहीं होने दे रहे हैं. इनके आसपास सच में कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद इनका भला नहीं चाहते हैं या यू नो इनके थ्रू अपना कोई काम निकलवा रहे हैं या प्रॉबेबली समवन इज़ यूजिंग देम, को इनको यूज़ कर रहा है. हो सकता है कि थर्ड पर्सन हो जो इनको फाइनेंशियली या किसी और तरीके से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको यूज़ कर रहे हैं. एंड इनके हाथ इस वक्त मैं देख रही हूँ कि बंधे हुए हैं. ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं बट इनके लिए रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है. Somehow completely इनको ट्रैप कर लिया गया है. एंड ही और शी जो भी हैं ये उस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, बट ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, राइट? किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान या दुख नहीं पहुँचाना चाहते, वो चीज़ इनके मन में चल रही है. थोड़ा लेजीनेस मैं देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज अपनी करंट सिचुएशन से ये शायद इतना ज़्यादा फेड अप हो गए हैं. That for now, I believe that this person needs time. इनको time चाहिए and इसी वजह से शायद अगर आप इनसे कुछ action या कोई decision expect कर रहे हो तो वो ये postpone करते जा रहे हैं. But it is definitely working for your benefit. आपके benefit के लिए ही ये काम कर रहा है because जितना ज़्यादा ये अपने emotions के साथ touch में आते जाएंगे उतना ज़्यादा इनको क्लैरिटी मिलती जाएगी, इनका इंट्यूजन डेवलप होता जाएगा एंड ये समझ पाएंगे कि इनकी लाइफ में कौन वो इंसान है जो इनका फ़ायदा उठा रहा है या कौन वो इंसान है जो सच में जेन्युइनली इनकी केयर करता है, राइट? सो यस, लेट्स सी इनके मन में जो भी आखिरी थॉट्स आए थे आपको लेके वो किस तरीके के थे, क्या थॉट्स थे. ओके, आई हैव ऑलरेडी गॉट वन कार्ड हियर व्हिच इज़ मैं सही समय पर समझ नहीं पाया या पाई, जो भी हैं आपके पार्टनर, राइट? कुछ ऐसी बात है जो अब इनको रियलाइज़ हो रही है जब ये कम्प्लीटली बंध चुके हैं, या तो एक रिश्ते में बंध चुके हैं, शादी हो गई है या तो थर्ड पर्सन के साथ, या कुछ ऐसा कमिटमेंट इन्होंने ले लिया है कि अभी ये उस कमिटमेंट को छोड़ नहीं पा रहे हैं, राइट? कहीं ना कहीं ये एक फ्रीडम या पीस ऑफ माइंड जो होता है उसको मिस कर रहे हैं. आई स्टिल हैव होप बट आई एम स्केयर्ड. मुझे अभी भी उम्मीद है लेकिन मैं डरा हुआ हूँ या डरी हुई हूँ, ठीक है. वी हैव मैनी डिफरेंसेज, हमारे बीच में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं. मैं आगे बढ़ चुका हूँ या आगे बढ़ चुकी हूँ, मैंने अपनी लाइफ में आगे कदम बढ़ा लिया है. ओवर थिंकिंग के लोग क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या बातें बनाएंगे, ठीक है, सोसाइटी क्या बोलेगी, फैमिली क्या बोलेगी, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, इस तरीके के थॉट्स इनके मन में आ रहे हैं. यानी कि एक अर्ज है अंदर से वापस आने के लिए आपके टूवर्ड्स, होप है लेकिन डरे हुए हैं. लोग क्या बातें बनाएंगे, हमारे बीच में भी ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, कैसे सब कुछ ठीक होगा, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ या बढ़ चुकी हूँ, वापस कैसे जाऊँ, ठीक है. अगर उसी टाइम पर मैं आपकी वैल्यू कर लेता या कर लेती तो आज मैं यहाँ पर नहीं फंसा हुआ होता या फंसी हुई होती, ठीक है, जो भी हैं आपके पार्टनर. इस तरीके के थॉट्स या यू नो एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड है. लेट्स सी, टैरो की हेल्प से भी देख लेते हैं कि इनकी करंट एनर्जीज इस वक्त में क्या हैं, अपनी लाइफ में किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स. आई बिलीव इनके आसपास एक नहीं बट एक से ज़्यादा कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शायद इनके वेल विशर्स नहीं हैं एंड ऑफ कोर्स इनको उस चीज़ के बारे में पता है. इसके लिए ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आसपास इन्होंने घेरा बना लिया है, अपनी लिमिटेशंस इन्होंने एक बना ली है, ठीक है. देन यू हैव टेन ऑफ सॉर्ड्स. दिस पर्सन इज़ फीलिंग चीटेड. इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ में धोखा हो गया है एंड एवरीथिंग इज़ ओवर. सब कुछ ख़त्म हो गया है, बातचीत नहीं हो रही है, किसी के साथ बिल्कुल कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया है, नए लोगों से कनेक्शन बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है. फाइव ऑफ सॉर्ड्स, कुछ यू नो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं
आपके बीच में, आपके आपके पार्टनर के बीच में हुए हैं, या फिर इनके अभी थर्ड पर्सन जो है उनके साथ में कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट हुए हैं जिसकी वजह से इनका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है, एंड जो कन्वर्सेशन हुई है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनको ऐसा लग रहा है कि अभी इनके पास ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है, राइट? एंड यू हैव द लवर्स, सो ये सोलमेट है किसी के, सोलमेट जर्नी चल रही है आप लोगों की। देन ऑफ कोर्स वन थिंग इज फॉर श्योर के नो मैटर व्हाट हैपेंस, ये लाइफ में भले ही कहीं पर भी चले जाएं, कहीं पे भी कुछ भी चल रहा हो, बट दिस पर्सन विल कंटिन्यू टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे ये आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहने वाले हैं। एंड जो राशियां हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग एनर्जी आई है वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की आई है, एयर साइन है जिसमें जेमिनी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। देन कुछ लोगों की राशि जो है वो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस आई है, एंड कुछ लोगों के लिए आया है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। शायद पिछले 5 से 10 हफ्तों से आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन बिल्कुल बंद है, बातचीत नहीं हो रही है, या फिर ये जो अभी फॉल्ट आया है, नेगेटिव एनर्जी जो आ रही है यहाँ पे स्ट्रांग नेगेटिव, ये थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स से आ रही है, उनकी तरफ से आ रही है, एंड शायद इनके और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ कन्वर्सेशन ब्लॉकेज हुआ है। अगर आप जानते हो कि उनके बीच में ब्लॉकेज नहीं हुआ है, देन दिस इज़ प्रॉबेबली योर एंड योर पार्टनर्स एनर्जी, राइट गाइज? बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, सो जितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ एक्सप्लेन करने की, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके मैसेज जो है वो मिल सके, राइट? इनका मूड जो मैं देख रही हूँ पिछले 1 हफ्ते से थोड़ा सा डाउन है, ऑफकोर्स बिकॉज एग्जॉशन का भी इनका कार्ड आया है, तो हो सकता है कि शायद इनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर बहुत सारी हैं, एंड ये सब कुछ एक साथ में टैकल नहीं कर पा रहे, सब कुछ एक साथ में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इनमें होप है, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, वो स्पार्क है अभी भी, इन्होंने हार नहीं मानी है डिस्पाइट ऑफ बीइंग चीटेड ऑन, या तो इन्होंने आपको चीट किया है, वो मेमोरी इनके माइंड में आ रही है बार बार, एंड उस चीज़ को लेके ये थर्ड पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि आपके लिए मैंने मेरा रिलेशनशिप था, या इस पर्सन को मुझे छोड़ना पड़ा, उनको चीट करना पड़ा आपके लिए, एंड आई एम नॉट रेडी नाउ, या मैं अब इस रिलेशनशिप के लिए कम्प्लीटली तैयार नहीं हूँ, या मैं पॉजिटिव नहीं फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ। इस तरीके की फीलिंग्स और इस तरीके की एनर्जी जो है वो अभी एट प्रेजेंट इनकी निकल के आ रही है। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो ग्रुप नंबर 1, कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन में डेफिनेटली प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर आप लोग बातचीत करते हो देन यू कैन टॉक एंड सॉर्ट इट आउट, रिकंसिडर, आपको दोबारा से किसी चीज़ को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा बैडली आपको चीट किया है एंड यू आर स्टिल वेटिंग कि ये कब आपकी लाइफ में वापस आएंगे, देन ऑफ कोर्स यू शुड रिकंसिडर दिस थॉट ऑफ योर्स, राइट? बिकॉज आपके लिए प्रॉबेबली दिस मैसेज वॉज फॉर यू चेंज योर फोकस, ओके? डिवाइन फेमिनिन, आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होना, आई ऑलवेज से दैट यू शुड बी पॉजिटिव, यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। अपने मन में कभी किसी के लिए आपको ग्रजेस नहीं रखने चाहिए, बिकॉज सामने वाले पर्सन को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका ऑरा ख़राब होता रहता है और आप और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते रहते हो। बट इफ़ समवन हैज़ रियली बिट्रेड यू, किसी ने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, देन ऑफकोर्स आपको उस पर्सन को वापस से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जो इंसान एक बार आपको चीट कर सकता है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो दोबारा भी आपको चीट करेगा, बिकॉज आपने उसका इंतज़ार किया है, राइट? आपने उस पर्सन का वेट किया है एंड उसको इतना पता चल जाएगा अपने माइंड में कि वॉट एवर दे डू, वो कुछ भी करेंगे, यू विल ऑलवेज एक्सेप्ट देम बैक। सो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है हमेशा। देन यू आर रेडी, आप तैयार हो, एनर्जेटिकली यू आर रेडी, इमोशनली यू आर रेडी, सक्सेस, सम सॉर्ट ऑफ सक्सेस इज कमिंग फॉर यू, किसी तरीके की सक्सेस जो है वो आपको मिलने वाली है, एंड अनलाइकली, अभी अगर हाँ या ना से जुड़ा कुछ आपके मन में ख्याल आया है, किसी के मन में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया है येस और नो से जुड़ा हुआ, देन ऑफकोर्स दिस थिंग इज नॉट हैपनिंग अभी, अभी इस टाइम पे ये
जो कुछ भी आपने इमेजिन किया है या पूछा है अपने मन में, वो चीज़ अभी नहीं होने वाली है. ओके, ग्रुप नंबर वन, गाइज दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है या कुछ भी पॉजिटिव मैसेज आपको इस रीडिंग से मिलता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा. आई सी यू नेक्स्ट टाइम, लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर टू. नमस्ते ग्रुप नंबर टू, अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर एल से जेड तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू. एंड सबसे पहले ओरेकल से मैं मैसेजेस निकालूंगी, एनर्जी रीड करेंगे हम आपकी इस करंट सिचुएशन की. ऑलराइट, एंड जो भी गाइडिंग मैसेज है यहाँ पे आपके इस रिलेशनशिप के लिए स्पिरिट की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से. तो ग्रुप नंबर टू, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज नंबर थ्री, सैडनेस एंड आइसोलेशन. ओके, देन यू हैव नंबर सिक्स, सिंपली लव. एंड यू हैव नंबर टू, रिफ्यूजिंग टू सी. नंबर थ्री, वंस अगेन टेक द लीड. एंड नंबर फाइव, चैलेंजिंग टाइम्स. ओके, राइट. नंबर थ्री यहाँ पे हमारे पास दो बार. ओके, लेट्स सी, कुछ चीज़ें हैं ऐसी यहाँ पे अभी जो कुछ हो रहा है आप लोगों के बीच में इस सिचुएशन में, जो कि वैसा ही जा रहा है जैसा कि होना चाहिए, लेकिन कहीं ब्लॉकेज आ रही है मैस्कुलिन की तरफ से. जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा यू नो अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस महसूस कर रहे हैं. ओके, मैस्कुलिन के लिए जो हमारा ये कार्ड आया है, सैडनेस एंड आइसोलेशन. एंड ऑफकोर्स देर इज लव बिटवीन यू, अगर आप मैरिड हैं. एंड कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, शायद कुछ सिंगल पेरेंट्स हैं यहाँ पे, बच्चे इन्वॉल्व हैं. राइट, दिस पर्सन इज रिफ्यूजिंग टू सी, जो मैस्कुलिन एनर्जीज में है वो अभी ये जो लविंग बॉन्ड है इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसको देख नहीं पा रहे हैं, ये जानते हुए भी नहीं देखना चाह रहे हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये इंसान इग्नोर कर रहे हैं, शायद कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं इनके सामने जो कि ये यू नो जानते हुए भी अनजान है उस चीज़ से. टेक द लीड अगेन, यहाँ पे जो ये मैसेज आया है ये मैस्कुलिन एनर्जी के लिए ही आया है कि इनको जिस चीज़ को ये अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, इनको सिचुएशन को यू नो अपने हाथ में लेना है. दिस पर्सन नीड्स टू टेक द चार्ज ऑफ द सिचुएशन एंड इनको ज़रूरत है इस वक्त में कुछ एक्शन लेने की या फिर किसी चीज़ को कंट्रोल करने की. ऑफ कोर्स दिस टाइम इज़ वेरी चैलेंजिंग, इस टाइम पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप लोग शायद एज अ कपल फेस कर रहे हो, या आप तीनों के लिए ही, इवन फॉर द थर्ड पर्सन इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन, तीसरा इंसान भी जो आप लोगों के इस सिचुएशन में, आप लोगों के इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, उनके लिए भी ये टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है नहीं नज़र आ रहा है. राइट, लेट्स सी कि आपके पार्टनर के इस वक्त में इमोशंस कैसे हैं, इनका मूड कैसा है. एंड एक कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, दैट इज लेटिंग गो नंबर एट. कुछ पुराना भूलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. देन यू हैव प्लेफुलनेस, सो देयर इज अ फ्लक्चुएशन. इनर वॉइस, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन दिस पर्सन इज रिफ्यूजिंग टू सी. अगेन नंबर फाइव है यहाँ पे, इनस्टेबिलिटी, कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं शायद अपने करंट रिलेशनशिप को अपने पास्ट रिलेशनशिप के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, या आपको कंपेयर कर रहे हैं अपने प्रेजेंट पार्टनर के साथ. अवेयरनेस, एंड इनको कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो समझ में आ रही हैं. राइट, बट द ओनली प्रॉब्लम हियर आई सी, अगर ये मैस्कुलिन एनर्जीज में है ऑफकोर्स, तो इनको दिख रहा है काफ़ी कुछ, समझ में भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बट ये एक्शन नहीं ले रहे हैं. शायद ये बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं जो भी कुछ फैक्ट्स इनके सामने आ रहे हैं, या यू नो कुछ ऐसी बातें इनको रियलाइज हो रही हैं अंदर से, उनको ये इग्नोर कर रहे हैं. ओके, बहुत सी गाइडेंस जो है वो इनको अपने अंदर से ही आ रही है, इनका इंट्यूशन जो है वो इनको गाइड कर रहा है काफ़ी सारी चीज़ों को लेके जो पास्ट में हो चुकी हैं. एंड जो कुछ भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, बुरे एक्सपीरियंसेस आप लोगों को हुए हैं एक दूसरे के साथ में, ये कोशिश कर रहे हैं उनको भुलाने की. राइट, लेट्स सी आपको लेके इनके रीसेंट थॉट्स जो हैं वो क्या रहे हैं. वी हैव मैनी डिफरेंसेस, हमारे बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी
डिफरेंसेस या दूरियां आ चुकी हैं. आई स्टिल हैव होप बट आई एम स्केर्ड. मुझे अभी भी उम्मीद है लेकिन मैं डरा हुआ हूँ या डरी हुई हूँ. मुझे अब आपकी कीमत पता चल रही है, आपकी वैल्यू मुझे अब समझ में आ रही है, राइट. सो प्रॉबेबली जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा वैल्यू या बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया है, वो चीज़ अब इनको रियलाइज़ हो रही है थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व होने के बाद. एंड यहाँ पे दो कार्ड्स आ गए हैं. लगता है मैंने आपको खो दिया. अब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, वापस नहीं आओगे इनकी लाइफ में. एंड दिस कार्ड इज़ वर्क प्लेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल. प्रॉबेबली काम से या स्कूल यूनिवर्सिटी से आप लोगों का कनेक्शन है. एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप लोगों का रहा है, बहुत ही पुराना रिलेशनशिप है, ठीक है. इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अब आपको परमानेंटली खो दिया है. लेट्स सी, टैरो की हेल्प से भी देख लेते हैं कि इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, इनकी क्या करंट एनर्जीज हैं, किस चीज़ के ऊपर फोकस है, किस तरीके की फीलिंग्स हैं. फर्स्ट कार्ड इज द लवर्स. सो मैक्सिमम लोग यहाँ पे भी ग्रुप नंबर टू, सोलमेट जर्नी है आप लोगों की, सोलमेट कनेक्शन है. ओके, देन यू हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स. अगर आप लोग मैरिड हैं, अगेन एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे बताई थी कि कुछ लोग मैरिड हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं, कोई सिंगल पेरेंट्स भी हैं, ठीक है, तो वो अच्छा फैमिली टाइम जो आपके साथ में स्पेंड किया था इन्होंने, वो चीज़ मिस कर रहे हैं. एंड जजमेंट यानी कि कुछ डिसीजन, कोई फैसला ये लेने वाले हैं. देन यू हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न राशि है यहाँ पे. एंड यू हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अगेन जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस. नेक्स्ट कन्वर्सेशन जो है वो बहुत जल्दी आप लोगों की होने वाली है, बट इट माइट टर्न इनटू एन आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है. बैक ऑफ द डेक हमारे पास यहाँ पे आया है द मून. सो ये जो मेजर एनर्जी यहाँ पे आई है, मेजर कार्ड आपका जो आया है यहाँ पे, वो है मून का. एक तो यहाँ पे मैं आपको पहले राशियाँ बता देती हूँ. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न राशि है, सेजिटेरियस और जेमिनी राशि और पाइसिस राशि है काफ़ी सारे लोगों की. ऑफ कोर्स लीब्रा एंड एक्वेरियस भी है. आपकी राशि हो सकती है, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है, एंड थर्ड पर्सन की राशि भी हो सकती है, बिकॉज उनकी एनर्जीज भी इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी के साथ में लिंक्ड है, राइट. सो नेक्स्ट कन्वर्सेशन प्रॉबेबली आप लोगों की, कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ये कुछ फैसला लेने वाले हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स अब आपकी कीमत पता चल रही है. दिस एनर्जी इज जस्ट लाइक द सेवन ऑफ पेंटिकल्स. आप ये एडमायर कर रहे हैं पुरानी मेमोरीज को, पुरानी चीज़ों को, जो भी कुछ इन्होंने आपके साथ में एक्सपीरियंस किया है. आपके साथ इनको ऐसा लग रहा था कि ये एक फैमिली के जैसा कनेक्शन था, बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप था. एंड प्रॉबेबली आप लोगों की फैमिलीज भी इन्वॉल्व थी इस चीज़ में. वो शायद अभी थर्ड पर्सन के साथ में नहीं है. प्रॉबेबली फैमिलीज आर नॉट इन्वॉल्व. फैमिली को शायद नहीं पता है कि थर्ड पर्सन के साथ इनका कोई रिलेशनशिप है, राइट. उसकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन इनके माइंड में आ रही है. एंड इनको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा स्टेबिलिटी और ज़्यादा ग्रोथ जो थी वो मेरे पहले वाले रिलेशनशिप में थी. एंड सम हाउ कुछ ना कुछ करके मुझे इनके साथ वापस से कॉन्टैक्ट में आना है, या कॉन्टैक्ट किसी ना किसी तरीके से बनाए रखना है. कुछ एक्शन या डिसीजन डेफिनेटली ये नियर फ्यूचर में लेने वाले हैं. एक हफ्ते के अंदर अंदर काफ़ी सारे लोगों के लिए आपको कुछ इनकी तरफ से रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, राइट. अगेन डिसीजन ये फैमिली से जुड़ा कुछ लेने वाले हैं. और अगर आपकी इनकी बहुत टाइम से बात नहीं हुई है आप लोगों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट पीरियड चल रहा है, देन ऑफ कोर्स कॉल आ सकता है या मैसेज आ सकता है कुछ लोगों को. ये भी वन वीक के अंदर मैं देख रही हूँ, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये चीज़ होने वाली है. एंड मैक्सिमम लोगों के लिए ये जून जुलाई तक, दिस जून एंड जुलाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कई रीडिंग्स में मैंने देख लिया, कई सारी जनरल रीडिंग्स में मैक्सिमम लोगों के लिए देर इज़ सम बिग चेंज कमिंग, स्पेशली फॉर योर लव रिलेशनशिप्स. एंड जो लोग फॉरेन मूव करना चाहते हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं, सम हाउ समथिंग इम्पॉर्टेंट इज गोइंग टू हैपन इन दीज टू मंथ्स. जून और जुलाई में कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली. काफ़ी सारे लोगों का तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रीयूनियन होने वाला है, राइट. लेट्स सी एंजल्स की तरफ से कि आपके लिए क्या एडवाइस है इस वक्त फॉर ग्रुप नंबर टू. एनी गाइडिंग मैसेज, एनी एडवाइस. दिस इज नॉट द राइट टाइम. अगर इस वक्त में आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई डिसीजन लेने वाले हो, तो प्रॉबेबली ये इस वक्त अभी ये सही समय नहीं है. इट्स अप टू यू. काफ़ी हद तक ये सिचुएशन जो है वो आपके ऊपर भी डिपेंड करती है. बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग फॉर यू.
राइट. एंड यू हैव गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना है. प्रॉबेबली आपके पार्टनर के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. अ ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल के अंदर अंदर बिग हैप्पी चेंजेस. शायद ये साल भर में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आई एम गोइंग टू अपलोड दिस रीडिंग इन April 2021, बट आप जब भी ये रीडिंग देखते हो तब से एक साल के अंदर अंदर कुछ बहुत ही बड़े एंड हैप्पी चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों के इस रिलेशनशिप में आने वाले हैं. अभी इस वक्त में अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो नहीं होने वाला है. इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से जल्द ही कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो आपको मिलने वाला है. बुक नंबर टू, गाइज दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे ही है. अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो पिकअप आइल रीडिंग के लिए तो वो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में. मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द उसके ऊपर रीडिंग लेकर आऊँ. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर.